नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विनीत कुमार एट जेड। दोस्तों, आज हमारे पास जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सेप्टेंस, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो दोस्तों, इसकी जो बेयर लैंग्वेज है यानी कि जिसको जो इसकी स्टेचुटरी लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह से, दोस्तों, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि जब वो आदमी जिसको कि प्रपोजल किया जाता है वो अपनी असेंट शो करता है यानी कि उसकी सहमति शो करता है तो वो प्रपोजल कहते हैं हम कि उसको एक्सेप्टेड कर लिया गया है, उसको ही कहते हैं हम कि वो उसकी एक्सेप्टेंस है। दोस्तों, जिस तरह से मैंने एग्जांपल आपको दिया था पहले, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था हमारा प्रपोजल या ऑफर का, उसमें भी जैसे मैं आपको पेन ऑफर करता हूँ और अगर आप उस पेन को लेकर जो मेरी एक ऑफर है उसमें अपनी क्या देते हो, असेंट देते हो, तो कहा जाता है कि आपने मेरा प्रपोजल या मेरी जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब इस सिचुएशन में आप करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हो जाता है एक्सेप्टेंस, काउंट की जाती है 2B के अंडर। तो ये तो है दोस्तों इसकी स्टेचुटरी डेफिनेशन। उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों। तो एनसन एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है एनसन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 23rd edition 55। तो इसमें उन्होंने बताया है दोस्तों कि एक्सेप्टेंस क्या मतलब होता है, यानी कि एक्सेप्टेंस का क्या मीनिंग है। एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उसमें एक्सेप्टेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन्होंने इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। यानी कि एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर को इस तरह से है कुछ जैसे कि आप कोई माचिस की तीली लगा रहे हैं एक ऐसी ट्रेन में जो कि फुल है, जहाँ उसमें पूरा भरा हुआ है बारूद। तो यानी कि जैसे ही आप माचिस की तीली को बारूद से लगाएंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो सिचुएशन जो है वो रिकवरेबल हो जाएगी, यानी कि वहाँ से आप रिकवरी नहीं कर सकते। ठीक वही जो इम्पैक्ट है एक्सेप्टेंस का होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में, कि जब आप एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो फिर उसको वापस लेना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ऑफर होती है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आएगी, एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉमिस और वो एग्रीमेंट, यानी कि उसके बाद उसको, यानी कि एक्सेप्टेंस देने से पहले आप 100 बार सोच सकते हैं, पर जब आप एक बार एक्सेप्टेंस दे दी, यानी कि जैसे कि आपने माचिस की तीली उस बारूद के भरी ट्रेन में लगा दी, तो फिर उसके बाद धमाका ही होगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। वही सिचुएशन जो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस की है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में है कि अगर एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर वहाँ से आपको बैक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये एनसन ने अपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनकी बुक है उसमें डिफाइन की गई है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसन की और कई बार इस पर क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है और कई बार जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी ये जो एक स्टेटमेंट है एनसन की कई बार आ जाती है और उसके बिहा पर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय द एनसन। जैसे कि एनसन ने स्टेटमेंट दी है तो उसका क्या पर्पस होता है, तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एसेंशियल ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर एक्सेप्टेंस को वैलिड होना है तो उसके लिए उसके क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं, क्या क्या एसेंशियल हैं, जिनके बिना कि जो एक्सेप्टेंस है वो कम्प्लीट नहीं हो सकती या जो वैलिड नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस वैलिड में जो होने में इसमें एसेंशियल है उसका जो पहला जो हमारा एसेंशियल है दैट द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। वो कम्युनिकेट होने के एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी वे हो सकते हैं, बाय पोस्ट हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, बाय ईमेल हो सकता है, बाय फैक्स हो सकता है, बाय किसी भी तरह का और जो कम्युनिकेशन मीन है उससे हो सकता है। और ये जो है जो आपका एक कम्युनिकेशन का जरिया है वो बाय कंडक्ट भी हो सकता है, यानी कि आपका बिहेवियर कुछ इस तरह से हो कि उसमें जो आपकी एक्सेप्टेंस जो है रिफ्लेक्ट होती हो और वो आप कहेंगे कि भाई एक्सेप्टेंस हो चुकी है, आपने कहा नहीं, आपने लिखा नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, वो कैसे होता वो लेटर ऑन देखेंगे। बट ये एक्सेप्टेंस जो है शुड बी कम्युनिकेट, यानी कि उसको कम्युनिकेट करना। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये पेन दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपको पेन का ऑफर दे रहा हूँ कि 10 रुपीज़ में, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपका जो उस पर असेंट है, आपकी जो सहमति है, वो आप मुझे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। अब आप बाय वर्ड कर सकते हैं, आप उसको बाय पोस्ट कर सकते हैं, अगर हम पोस्ट से डील कर रहे थे बाय पोस्ट, अब आप टेलीफोन से कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, कंडक्ट से भी, आपका जो बिहेवियर है वो भी बता सकता है कि आप इसको खरीदना चाहते हैं। तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं, पर आपको करना पड़ेगा, आपको मुझे कम्युनिकेट, मुझे बताना पड़ेगा कि यस वी आर विलिंग टू परचेज, आई एम विलिंग टू परचेज दिस पेन फॉर ₹10। तो वो जो चीज़ है आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए इसने कहा है कि एक्सेप्टेंस शुड बी
कम्युनिकेट। तो अब कम्युनिकेशन शुड बी टू द ऑफरर। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैं आपको पेन ऑफर कर रहा हूँ तो मैं ऑफरर हूँ, मैं ऑफरर की कैपेसिटी में हूँ, और आप जो कि उस पेन को खरीदना चाहते हैं वो ऑफरी की कर, तो आप ऑफरी की कैपेसिटी में है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो ये कम्युनिकेशन देना है कि मुझे ये पेन खरीदना है वो सिर्फ मुझे आना चाहिए, किसी और को नहीं देना है आपने। अगर आप किसी और को देते हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो अधूरा रहेगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखी जाए कि जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आप किसे करेंगे, मुझे, ऑफरर को। यानी अगर आप ऑफरी हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मुझे ऑफर को, जो अपनी एक्सेप्टेंस है उसको कम्युनिकेट करें। तो इसमें एक जो हमारे पास पहले भी केस हम पढ़ चुके हैं, फेल्थ हाउस वर्सेस बिंडले का केस है, जो हम पहले जो ऑफर का जो चैप्टर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये केस फिर आ गया यहाँ पर, इसमें जो सिचुएशन थी वो आप लोग जानते हैं कि क्या सिचुएशन थी उसमें। इस केस में जो था दोस्तों, जो फेल्थ हाउस जो था, ये जो बिंडले था, ये ऑक्शनर था, ये बिंडले ऑक्शनर था फेल्थ हाउस के भतीजे का। फेल्थ हाउस ने अपने भतीजे को जैसे लिखा था कि भाई मैं आपके हॉर्स को ख़रीदना चाहता हूँ 30 पाउंड 50 शिलिंग, कुछ इस तरह से एक अमाउंट थी कि मैं आपका जो हॉर्स है इसको ख़रीदना चाहता हूँ, और आपकी तरफ से अगर मैंने कोई नहीं सुना उस हॉर्स के बारे में तो समझूंगा कि हॉर्स वो मेरा हो गया। नेफ्यू ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नेफ्यू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, पर उसने अपने इस ऑक्शनियर को, जो बोली लगाने वाला था यानी कि बिंडली था, इसको कहा कि भाई आप इसको प्रिजर्व करिए, यानी मेरे जो घोड़ा है ये हम अपने अंकल के लिए रखेंगे, आप इसको रख लीजिए अपने पास। पर उसने, जो भतीजा था, उसने फेल्थ हाउस यानी कि अपने चाचा को कोई भी कम्युनिकेट नहीं किया कि मैं आपको, हाँ ठीक है मैं आपके लिए ये हॉर्स जो है वो इतने रुपए में रख दूंगा, ऐसा कुछ कम्युनिकेट नहीं किया। बट फेल्थ हाउस ने कंसीडर किया उसको कि अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेड है कि वो जो हॉर्स है वो मेरे लिए रख लिया। पर गलती से इस ऑक्शनर ने उसे बेच दिया। फिर उसके बाद जो चाचा था उसने उस ऑक्शनर को जो था, जो बोली लगाने वाला था, उसको जो है केस कर दिया उसके खिलाफ कि भाई आपने जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी उसको तोड़ा था। तो उसमें फिर कोर्ट ने कहा था कि भाई यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हुई ही नहीं है क्योंकि आपको कम्युनिकेशन नहीं किया गया है, जो आपका भतीजा था उसने अपनी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं किया है आपको, इसीलिए आप जो है ये कह ही नहीं सकते यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं अराइज हुई, इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई कंपनसेट या कोई भी तरह का कुछ भी रेमेडी नहीं मिल सकती। तो ये फिर वही केस है दैट एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेट बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। तो ऑफरी भतीजा था वहाँ, अगर मान लिया जाए एक सिचुएशन में कि कॉन्ट्रैक्ट था तो ऑफरी जो होता था भतीजा होता, पर ऑफरी ने कोई भी अपने चाचा को नहीं बताया। तो ये सिंपल केस लॉ है जो हम पहले भी डील कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा अगर आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है दोस्तों, कम्युनिकेशन शुड बी बाय द ऑफरी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर इसने कहा कि कम्युनिकेशन शुड बी टू द ऑफरर, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन शुड बी बाय द ऑफरी, यानी कि जो कि ऑथोराइज है, जिसको कि अथॉरिटी है कि भाई कम्युनिकेशन आपने ही करना है। यानी जैसे मैं आपको पेन की उदाहरण दे रहा हूँ, तो अगर मैं पेन बेच रहा हूँ तो वो कम्युनिकेशन भी आपकी ही तरफ से आना चाहिए, ना कि किसी और की तरफ से। किसी और की तरफ से आएगा तो भी वो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो नहीं माना जाएगा, उसको जो है वो नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। यानी कि इसमें दोनों एलिमेंट है, कम्युनिकेशन शुड बी टू द ऑफरर, बाय द ऑफरी, यानी कि बाय द ऑफरी। इसमें एक केस लॉ है दोस्तों हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, पॉवेल वर्सेस ली 1908। तो दोस्तों ये जो केस है हमारे पास पॉवेल वर्सेस ली का, इस केस लॉ में दोस्तों जो पॉवेल था वो कैंडिडेट था हेडमास्टर की पोस्ट के लिए, जो कि सिलेक्शन होनी थी उसकी, मैनेजर जो डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बैठना था और उसमें से इसको सिलेक्ट किया जाना था। इसकी सिलेक्शन जो थी वो हो चुकी थी, आफ्टर इंटरव्यू पॉवेल वाज सिलेक्टेड, बट एक अभी जो कम्युनिकेशन था वो नहीं किया गया था, और उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी ऐसे आदमी ने इसको सीक्रेटली बता दिया कि भाई आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, और पॉवेल ने मान लिया कि इसकी सिलेक्शन हो गई है, और उसका जी जो आदमी था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसको ऑथोराइज नहीं किया गया था, यानी कि ही वाज नॉट ऑथोराइज। कम्युनिकेशन जो होना था वो चीफ के द्वारा होना चाहिए, जो चीफ था वहाँ का उसके द्वारा होना था, पर किया उसकी उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनमें से किसी एक आदमी ने किया, और ये वो जो आदमी था वो ऑथोराइज नहीं था। अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो थी, यानी कि यहाँ पर ऑफर गई पॉवेल की तरफ से, उस ऑफर को जो एक्सेप्टेंस दी वो एक ऐसे आदमी ने दी जो कि ऑथराइज नहीं था, या दूसरे लहजे में इसको कहें वो ऑफरी नहीं था। अब वो ऑफरी नहीं था जैसे, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी कंडीशन है कि कम्युनिकेशन शुड बी बाय द ऑफरी, कि कम्युनिकेशन जो है
वो किसके द्वारा होना चाहिए, ऑफरी के द्वारा जाऊँ। तो उस पर फिर पावल ने केस कर दिया कि भाई मेरी तो सिलेक्शन हो चुकी थी, मुझे तो पता चल चुका था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी सिलेक्शन चाहे हो चुकी थी, चाहे सीक्रेटली आपको पता भी लग चुका था, पर जो आपको कम्युनिकेशन दिया गया वो एक ऐसे आदमी के द्वारा दिया गया जो कि ऑथोराइज नहीं था, जिसको कि एज पर द रूल्स रेगुलेशन ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो आपको कम्युनिकेट करे कि आपकी सिलेक्शन जो है वो हेडमास्टर की पोस्ट के लिए कर दी गई है। तो इसमें जो पावल था उसका क्लेम जो था उसको कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और इस चीज़ को मेंटेन रखा गया कि उसमें जो था कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसका जो प्रोसीजर था थोड़ा सा इसमें एक जो बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा मैं कि पावल को सिलेक्शन जो था पहले सिलेक्ट करके फिर डीसिलेक्ट कर दिया गया था कि इसका डीसिलेक्शन कर दिया था, इसलिए उसने केस किया था। केस करने का उसका कारण ये था कि उसको एक बार सिलेक्ट करके और जब सीक्रेटली इसको पता भी चल गया उसके बाद उसको डीसिलेक्ट कर दिया, यानी कि उसको सिलेक्शन जो था उसको नकार दिया था और किसी और कैंडिडेट को स्वीकार कर लिया गया था या एक्सेप्ट कर लिया गया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया उस पोस्ट पर, और इसलिए पावल ने वो केस किया। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पावल वर्सेस ली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है या एग्जामिनेशन में इसको आ सकता है आपको। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी जगह पर पूरे होने चाहिए, दैट कम्युनिकेशन शुड बी टू द ऑफरर बाय द ऑफरी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कम्युनिकेशन टू द रॉन्ग पर्सन। अगर रॉन्ग पर्सन को कम्युनिकेशन हो जाए तो वो भी सिचुएशन वैसी है, अगर आप रॉन्ग पर्सन को अपनी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर देते हो तब भी उसे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये। और इसमें जो ऑफरर है यानी जिसने ऑफर दी है वो भी बाउंड नहीं होगा, यानी मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ किसी भी तरह की और आप एक्सेप्टेंस जो है किसी दूसरे आदमी को दे रहे हो तो मैं बाउंड वहाँ पर नहीं होगा किसी भी तरीके से और आप भी नहीं बाउंड होंगे, बड़ी ऑब्वियस, क्योंकि आपने जो अपनी एक्सेप्टेंस है कि किसी गलत आदमी को दे दी है। तो वो जो चीज़ है इसमें ध्यान में रखिएगा, ये भी एक पॉइंट था। उसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास नेक्स्ट दोस्तों, दैट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय कंडक्ट, यानी कि बाय कंडक्ट जो मैंने आपको कहा था कि बाय पोस्ट हो सकती है, बाय टेलीफोन हो सकती है, बाय वर्बल राइटिंग कुछ भी हो सकता है, और बाय कंडक्ट भी हो सकती है दोस्तों, कि आपका बिहेवियर कुछ इस तरह से हो कि आपको एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, यानी कि जो ऑफरर है उसने कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट की है जो कि आपके द्वारा सिर्फ उसे आपका कंडक्ट चाहिए, अगर आपका कंडक्ट भी मिल गया तो भी जो क्या होगा आपकी तरफ से उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा और बोथ द पार्टी शुड बी बाइंडिंग। तो ये जो दोस्तों ये सिचुएशन है वो आपको कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं केस लॉ उसमें भी देखने को मिल जाएगी। अब उसमें आपको मैंने जो उसकी सिचुएशन है दोस्तों वो समझाई थी कि किस तरह से एक एडवर्टीजमेंट दी जाती है, 100 पाउंड का इनाम घोषित किया जाता है और मिसेस कार्लिल जो है वो उसको ट्राई करती हैं। अब देखिए वहाँ पर सिचुएशन क्या थी कि वो एडवर्टीजमेंट दी गई, जनरल ऑफर थी, सभी को ऑफर थी वो, और कार्लिल ने उसको यूज़ किया, यानी कि उन्होंने अपना कंडक्ट शो किया वहाँ पर, वो ये कहने नहीं गई कंपनी से कि भाई हाँ मुझे आपसे एग्रीमेंट करना है, जब मैं अपनी एक्सेप्टेंस देती हूँ या कोई लेटर या राइटिंग, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज पर देयर डायरेक्शन उस बॉल्स को यूज़ किया, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस था तो उन्होंने यूज़ किया उस चीज़ को। अब जब वो बाई कंडक्ट वो सब चीज़ें कर रही थी तो इसका मतलब था कि वो अपनी एक्सेप्टेंस जो थी वो दे रही थी वहाँ पर, तो वो जो उनका ऑफर थी उसको एक्सेप्ट कर रही थी, वहाँ पर आपका ऑफरर भी बाइंड हो गया और आपके ऑफरी भी दोनों बाइंड हो गए, क्योंकि ऑफरर ने सिचुएशन ही कुछ इस तरह से रखी थी कि भाई जो भी इस तरह से कोई परफॉर्मेंस करेगा हमारे जो एज पर कंडीशन, सो उसको हम ये जो 100 पाउंड का इनाम देंगे अगर उसका इन्फ्लुएंजा हमारी मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी रहता है तो वहाँ पर क्या किया मिसेस कार्लिन ने, कंडक्ट किया, अपना एक बिहेवियर किया जहाँ जो भी उनको करना था एक प्रोसीजर था वो अडॉप्ट किया और उनकी एक्सेप्टेंस को वैलिड माना गया क्योंकि वो एक जर्नल ऑफर थी और सभी के लिए ओपन थी। तो ये भी एक बाय कंडक्ट का एक एग्जांपल है कि आप एक्सेप्टेंस जो अपनी दे सकते हो वो बाय कंडक्ट कैसे हो सकती है। दोस्तों इसमें जो एक और केस लो है वो मैसर्स भगवती प्रसाद पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक बॉल कॉर्पोरेशन का भी लिख सकते हैं आप, और उसके बाद मैसर्स भगवती प्रसाद पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का भी केसेस में आप कोट कर सकते हैं कि बाय कंडक्ट क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसका जो फैक्ट से केस थे जहाँ इसमें जो एक डिसीजन था वो इस तरह से था कि इसमें दोस्तों एक कंसाइनमेंट था गुड्स का जो बिलोंग करता था मैसर्स भगवती प्रसाद पवन कुमार को, और उस कंसाइनमेंट की जो डिलीवरी आ रही थी वो थ्रू रेलवे आ रही थी, यानी यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ी ऑब्वियस बात है। अब वो दो पार्सल थे दोस्तों और दोनों पार्सल जो थे वो मैसेज भगवती प्रसाद को नहीं पहुंचे, तो इन्होंने क्लेम किया रेलवे से,
कि भाई मेरा जो पार्सल नहीं पहुंचे और मुझे नुकसान हुआ है तो आप इतने इतने रुपए का मुझे दो क्लेम दे दीजिए। अब क्या किया कि रेलवे वालों ने दो चेक भेज दिए इनके नाम पर, इनके नाम पर दो चेक भेज दिए और उस चेक भेजने के साथ साथ एक कंडीशन भी उन्होंने ऐड कर दी कि भाई हम आपका जो क्लेम थे दो, जो आपके जो पार्सल नहीं मिले हैं, आपको गुम हो गए, उसके बदले में हम आपको दो चेक भेज रहे हैं, अगर आपको ये चेक एक्सेप्ट हों तो आप कैश करवा लीजिए इनको, अगर आपको ये जो दो चेक भेजे हैं अगर ये नहीं एक्सेप्ट हों तो आप इनको फौरन इमीडिएट वापस कर दीजिए। अब मैसेज भगवती प्रसाद जी ने इसको वापस नहीं किया और उन दोनों को इन कैश कर लिया, इन कैश भी करवा दिया और उसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये भी कह दिया, ये भी एक लेटर लिख दिया यूनियन ऑफ इंडिया यानी रेलवे को कि भाई मैंने इन दोनों को कैश करवा रहा हूँ और आप मेरे जो अमाउंट है बैलेंस अमाउंट जो मेरे एज़ पर द जो मैंने आपको डिमांड दी थी उसके हिसाब से जो बैलेंस अमाउंट है वो भी मुझे भेज दीजिए। तो इस पर जो कोर्ट था उसने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको रेलवे ने मना किया था कि अगर आप इन दो चेक जो कि हम भेज रहे हैं अगर इनको एक्सेप्ट कर लोगे आप तो फिर वो वैलिड होगा, आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, पर अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर आपको लगता है कि ये जो क्लेम है ये ठीक नहीं है, जो मेरे कम है जितना मुझे चाहिए उतने, तो आप इमीडिएटली से वापस कर दी, तो आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप इमीडिएटली इसको वापस कर देते ताकि जो हम आपका जो एक स्टैंड ताकि जो आपका एक स्टैंड है वो स्ट्रॉन्ग रहता और हम इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो था वो राइज नहीं होना था। पर यहाँ पर क्या किया आपने, वो चेक वापस नहीं किए, आपने उनको इनकैश कर लिया। जब आपने इनको इनकैश कर लिया तो इसका मतलब है आपने एक्सेप्टेंस वहाँ अपनी दे दी और जब आपकी एक्सेप्टेंस आ गई तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते या जो आपने क्लेम किया है दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि रेलवे ने आपको पहले ही कहा था कि आप ऐसा मत करिए, अगर आपको ना मंजूर हो तो आप इनको वापस कर दीजिए। तो ये जो सिचुएशन है ये भी एक बाय कंडक्ट अराइज हुई थी कि आपने कंडक्ट कुछ ऐसा किया कि आपका जो एक्सेप्टेंस थी वो मान ली गई। तो दोस्तों ये जो दो एग्जांपल हैं कार्लेल वर्सेस और मैसेज भगवती प्रसाद, ये दोनों जो एग्जांपल हैं वो आपके रिलेटिंग टू द कंडक्ट कि बाय कंडक्ट कब स्वीकार हो सकता है कब नहीं स्वीकार, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर कंक्लूड की गई हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने एक्सेप्टेंस के एक नए सेगमेंट की तरफ कि व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट, कि एक्सेप्टेंस की बात जब हम करते हैं तो उसका कम्युनिकेशन जो है वो कम्प्लीट कब हो जाता है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट है इस एक्सेप्टेंस जो एक टॉपिक है हमारा इसका, व्हेन द पार्टी इन द प्रेजेंस, जब तो पार्टी एक दूसरे की प्रेजेंस है यानी वो सामने हैं एक दूसरे के तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है। दिक्कत कब आती है, जब पार्टी व्हेन द पार्टी ऑन टेलीफोन या फिर उनका जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे से वो बाय पोस्ट हो रहा है, या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं जब वो एक दूसरे की प्रेजेंस में नहीं है। ज़्यादातर दिक्कत उन मामलों में थी जब पार्टीज एक दूसरे के सामने में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जो बाय पोस्ट या टेलीग्राम, बाय पोस्ट या टेलीग्राम आपकी जो एक्सेप्टेंस है उसका जब आता है कि वो कम्युनिकेशन कब पूरा होता है एक्सेप्टेंस का, तो वो उसके बारे में जो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कहा गया है दोस्तों कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी कि एक्सेप्टेंस जो कंप्लीट होने के दो सिचुएशन बना दी गई हैं, इसमें ध्यान रखिएगा इस बात को, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर, यानी कि दो मामले, जैसे कि मैं आपको पेन करता हूं अपना ऑफर दोस्तों, तो पेन जो मैं ऑफर कर रहा हूं तो एक्सेप्टेंस जब आएगी आपकी तरफ से तो उसकी दो तरफ से होगी इनफोर्सिबिलिटी, एक तो प्रपोजल, एक तो मेरे पर आएगी कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट मी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर, यानी कि आप, यानी कि एक्सेप्टेंस देने वाला जो है वो कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन के बाद, तो वो दो सिचुएशन जो है वहां पर आती हैं अगर जो एक्सेप्टेंस है आपकी वो बाय पोस्ट होती है या बाय टेलीग्राम होती है, सेक्शन 4 के अंडर ये मेंशन किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों इसके बाद। तो पहले देखते हैं हम एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी कि एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है दोस्तों, तो वो तब कंप्लीट होती है जब व्हेन इट पुट, जब उसको डाला जाता है इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे ही आपने उसको लेटर को डाल दिया यानी कि भेज दिया या उसकी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी जैसे भी होंगे, जैसे ही आपने उसको पोस्ट कर दिया तो वो क्या होगा, वो अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी कि अगर मैं पेन ऑफर कर रहा हूँ आपको, हम बाय पोस्ट हैं, तो वो मेरे खिलाफ़, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आपने वो एक्सेप्टेंस अपनी पोस्ट कर दी, एक सिचुएशन यानी कि मैं बाइंड हो गया। अब दूसरी सिचुएशन होगी दोस्तों, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर,
when, when it come to the knowledge of proposer, यानी कि जब ये मेरे नॉलेज में आ जाएगी तब आप बाइंड हो जाएंगे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको पेन ऑफर कर रहा हूँ, हम दोनों बाय पोस्ट हैं, मैं आपको पेन ऑफर कर रहा हूँ, आप उस पेन के एवज में मुझे 10 रुपये जो मैंने डिमांड की थी वो देने के तैयार हैं, आपने वो 10 रुपये का मनी ऑर्डर पोस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि मैं बाइंड हो गया, मैं बाध्य हो गया, उसमें मेरी अब जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल बाइंड हो गई। अब जैसे ही वो आपका लेटर मुझे मिल गया, मैंने खोल के देख लिया कि हाँ भाई, तो क्या हो गया, आप बाइंड हो गए। अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और जो लास्ट स्टेज है बाइंडिंग की वो कौन सी है, जब मुझे लेटर मिल जाता है तो फिर हम दोनों जो है वो बाइंड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर। याद रखिएगा ये दोनों सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कई बार नहीं पता चलता है इनका, तो ये दोनों को अलग अलग तरीके से देखिएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन दे दी गई है, बाय पोस्ट या बाय टेलीग्राम होती है, तो सेक्शन 4 जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा केस लॉ है दोस्तों वो JK Enterprises वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1997 और डनलप वर्सेस हिगिन्स 1848, ये दो केस लॉ हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट है दोनों अपने अपने लिहाज से, याद रखिएगा, कंपटीशन में भी आ सकते हैं या आपको लिखना पड़ सकता है इनके बारे में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये दोनों केसेस से रिलेटेड हैं। तो पहले हम देखते हैं JK Enterprises वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1997 के केस को कि इसमें क्या था। दोस्तों जो JK Enterprises थी इसने एक टेंडर के लिए अप्लाई किया था, टेंडर इसका अप्रूव हो गया, स्टेट ऑफ MP ने अपनी जो एक्सेप्टेंस थी वो उसको भेज दी, पर JK Enterprises ने उसको बेरंग लौटा दिया, यानी कि उनको बिना रिसीव किए ही वो डिस्पैच कर दिया, वापस कर दिया। और ये जो इस पे जो स्टेट ऑफ MP थी इसने कहा कि भाई आपका जो एक ऑफ़र को आप हमने जो आपने दी थी हमें उसका एक्सेप्टेंस तो हमने आपको दे दिया था, आपने वापस कर तो कर दिया, पर हम अपनी तरफ से आपको बाइंड कर चुके हैं। तो कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगाई अपनी कि हाँ JK Enterprises आप बाइंड हो चुके हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ MP की जो ड्यूटी थी कि आपको वो अपनी एक्सेप्टेंस डिस्पैच करें, और जिस वक्त आपको एक्सेप्टेंस डिस्पैच की गई उस वक्त आप बाइंड हो चुके थे, और आपके लिए अभी कोई सेपरेट से ऑप्शन नहीं बनी है, एंड यू आर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और आपको उसको फॉलो करने पड़ेगा। तो ये तो था दोस्तों हमारा JK Enterprises का केस। उसके बाद है दोस्तों डनलप वर्सेस हिगिन्स 1848 का केस, इसकी जो स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट है दोस्तों। तो इस केस लॉ में कहा गया था दोस्तों कि अगर एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है जो हेल्ड किया गया था इस केस में, कि अगर एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है अगर वो डिले भी हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ से इन्होंने डिले, जिसने एक्सेप्टर दी है, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस जो है अपनी डिस्पैच कर दी है, पर वो किसी कारण से डिले भी होती है, तब भी वो वैलिड मानी जाएगी, यानी कि वो ऑफरर को बाइंड करेगी और दोनों पार्टी को अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये केस इसके बारे में ये हेल्ड हुआ था दोस्तों डनलप वर्सेस हिगिन्स 1848 में। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि जब एक्सेप्टेंस हमारी होती है बाय फोन तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है दोस्तों। तो इसमें एक्सेप्टेंस बाय फोन का जो केस लॉ है हमारे पास वो है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कॉरपोरेशन 1966 जो है इसमें है। और इस केस लॉ में ये डिसाइड किया गया था कि जब हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो होती है बाय फोन, तो हम उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि दोनों पार्टी एक दूसरे की प्रेजेंस में हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाय पोस्ट जब होती है तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो रूल हैं वो लागू होते हैं, पर जब बाय फोन होती है तो फिर आपको जो रूल लागू होता है वो भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कॉरपोरेशन जो है 1966 का केस है, जिसमें कि ये हेल्ड किया गया था कि भाई जब बाय फोन होता है कन्वर्सेशन या एक्सेप्टेंस, तो आप ये कहेंगे कि जो पार्टी है वो एक दूसरे की प्रेजेंस में है, क्योंकि वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, इंस्टेंट मतलब एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उसमें फिर जो नॉर्मल लॉ है हमारा कि पार्टी एक दूसरे की प्रेजेंस में है वो इम्प्लीमेंट होगा दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों जो फैक्स है, बाय फैक्स है, वो भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट होगा, बस डिफरेंस है तो जो बाय पोस्ट या बाय टेलीग्राम जो है उसमें डिफरेंस है, उसमें जो रूल है वो थोड़ा सेक्शन 4 के अंडर उसको अलग से मेंशन किया गया है। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था कि कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस शुड बी देयर। तो वो कम्युनिकेशन के कितने जितने भी डायमेंशन थे वो हमने देखे, केस लो उसकी सिचुएशन जो जब जितनी थी वो सब हम देख चुके हैं दोस्तों। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसका जो मतलब है कहने का वो यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर मैं ये पेन आपको ऑफर कर रहा हूँ कि मैं ये पेन आपको 10 रुपये का बेचूँगा, तो आप जो हैं आप बींग ऑफरी एक्सेप्टेंस तो आप देंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं इस पेन को 8 रुपये में खरीदूंगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने क्या कर दिया,
क्वालिफिकेशन लगा दी, यानी मेरी ऑफर पे क्वालिफिकेशन लगा दिया आपने कि भाई आप जो कह रहे हैं वो नहीं करूंगी मैं करूंगा, क्या करूंगा, मैं इसको 8 रुपये में खरीदूंगा। तो वो दोस्तों होगी काउंटर ऑफर। याद रखिएगा इस सिचुएशन को कहा जाता है काउंटर ऑफर, यानी कि एक ऑफर देनी दूसरे ऑफर के बदले में। यानी मैंने कहा आपको मैं अपना पेन बेचूंगा 10 का, पर आपने कहा मैं आपका पेन खरीदूंगा बट 8 रुपये में, तो आपने क्या कर दिया क्वालिफिकेशन। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है काउंटर ऑफर। आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप मेरे ऑफर की एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मैं आपका पेन 10 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो वो सिचुएशन आ गई जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है और आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस होती है। पर जब आप ये कहते हैं कि मैं आपका पेन खरीदूंगा या खरीदूंगी 8 रुपये में 8.5 रुपये में, तब आपने क्या किया आपने क्वालिफाइड कर दिया और आपने अपनी तरफ से ऑफर मुझे दे दी। अब मुझे देखना है कि मुझे एक्सेप्टेंस देनी है कि नहीं देनी है। अब वो मेरी मर्जी हो गई, आपकी तरफ से ऑफर हो गई। यानी कि पहले सिचुएशन ये थी कि ऑफर मैं दे रहा था, एक्सेप्टेंस आप दे रहे थे। अब आपने मेरी ऑफर जो था उसको नकार दिया, आपने अपनी तरफ से ऑफर दे दी। अब मुझे उस पर एक्सेप्टेंस देनी है नहीं देनी है वो मेरी अपनी मर्जी है। बट अब क्या हो गया, सिचुएशन उल्ट हो गई और मेरा जो ऑफर था उसको कैंसिल होने के कारण मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं वैलिड होगा। अगर मैं आपके उस ऑफर को स्वीकार कर लेता हूं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नया बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहां ये है कि अगर मैं आपको 10 रुपये में ऑफर कर रहा हूं कि मैं अपना पेन बेच रहा हूं, तो आपको उसको वैसे ही स्वीकार करना होगा अगर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, जब मैं अपनी कंडीशन को इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं। तो ये दोस्तों है ऑफर शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसमें जो केस लॉ है वो है हाइडी वर्सेज रेंच 8040 का केस है दोस्तों। तो हाइडी वर्सेस रेंच की जो सिचुएशन थी दोस्तों उसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूँ आपको। इसमें मान लीजिए कि दो आदमी थे। एक आदमी ने कहा कि मैं आपका जो फार्म है, जो आपका फार्म यानी कि जहाँ पर खेती बाड़ी हो उस तरह का एक ज़मीन हो जहाँ उस पर कुछ बना हो, उसको ख़रीदना चाहता हूँ 1000 रुपये में, उसको बेचना चाहता हूँ 1000 रुपये में अपने फार्म को। दूसरे आदमी ने कहा कि मैं आपका जो फार्म है वो ख़रीदना चाहता हूँ 950 रुपये में। मान लीजिए आप 950 रुपये में मैं ख़रीदना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं 1000 में बेचना चाहता हूँ। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर दोस्तों सिचुएशन इसी तरह से थी, एक ने कहा मैं 1000 का बेचना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा मैं 950 में ख़रीदूँगा। पर जो पहले वाला था उसने कहा जी नहीं मैं इसको 950 में नहीं बेचना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जिसने 950 की ऑफर थी उसने कहा कि ठीक है मैं इसको 1000 में ही ख़रीदना चाहता हूँ, मैं इसको 1000 में ही खरीद लूँगा। इसके बाद जो पहले वाला था जो पहले 1000 पर बेचने को तैयार था उसने इनकार कर दिया कि अब मैं 1000 पे नहीं बेचूंगा। इस पे जिस आदमी ने ऑफर 950 की दी थी और बाद में 1000 की होगी उसने कहा कि भाई कोर्ट में चला गया वो आदमी और उसने कहा कि ये जो है ये ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इसने ऑफर दी थी 1000 की और मैं उस 1000 की ऑफर पे बाद में राजी भी हो गया। पहले चाहे मैं कह रहा था कि 950 रुपये दूंगा पर मैं बाद में 1000 पर वैलिड हो गया जैसे कि इसने कहा था। तो कोर्ट ने उसने कहा कि जब इस आदमी ने आपको कहा कि मैं 1000 में आपको बेचने के तैयार हूँ, आपने कहा कि मैं 950 में खरीदूंगा, उस वक्त क्या हुआ कि आपने उसके 1000 के ऑफर को ठुकरा दिया, यानी कि वो हो गई कैंसिल और वो आपकी तरफ से 950 की ऑफर चली गई। इसलिए अब ये क्वेश्चन नहीं अराइज होता है कि बाद में यानी कि एक बार 950 की ऑफर करने के बाद आप ये राजी हो गए कि ठीक है मैं आपका जो पहले वाला प्राइस था 1000 था उसमें खरीदने को तैयार हूँ। तो उस केस में कोर्ट ने कहा कि वो जो थी वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं थी। आपने उनकी ऑफर को जब उन्होंने 1000 का कहा था तो 950 बोल के आपने उनके 1000 को ऑफर को कैंसिल कर दिया था, इसलिए अब उसको बाद में वैलिड नहीं कर सकते क्योंकि अब जो है ऑफर आपकी तरफ से है कि मैं 1000 में दोबारा, जैसे उसने कहा कि मैं पहले तो उसने 950 कहा पर उसके बाद उसने कहा कि मैं 1000 में ख़रीदना चाहता हूँ दोबारा से, तो फिर वो आपकी तरफ से ऑफर थी दोबारा। और फिर उसको ऑफर जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नो वन इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट ऑफर, कोई भी आदमी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए बाइंड नहीं होता है। तो इसी तरह से वो वहाँ पर बाइंड नहीं है और आप उनको नहीं बाइंड कर सकते कि हाँ आपने पहले 1000 कहा था, पहले जब 1000 कहा था तो आप माने नहीं थे, फिर आपने 1000 कहा तो वो नहीं मान रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट है। ये हाइड वर्सेज रेंच 1840 का जो केस है इंपॉर्टेंट है बहुत, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इससे मिलती है हमें कि किस तरह से एक ऑफर रिजेक्ट होती है फिर उसके बाद दूसरी आती है फिर दूसरी पर रिजेक्ट होती है, प्राइस कैसे वेरी करते हैं और कैसे चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। तो ये सब जो हाइड वर्सेस रेंच के केसेस में था इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा एसेंशियल है एक्सेप्टेंस का, वैलिड एक्सेप्टेंस का, वो है एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल एंड
प्रस्क्राइब्ड मैनर, यानी जो एक्सेप्टेंस है आपकी वो यूजुअल और प्रस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। अब इसमें जो दो वर्ड हैं यूजुअल और प्रस्क्राइब्ड मैनर, ये क्या चीज़ें हैं दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा आप कि इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों ये यूजुअल जो मैनर है हमारा, फर्स्ट जो थिंग है कि यूजुअल मैनर क्या है, तो यूजुअल मैनर मोड है आपका कि अगर ऑफर जो है आपको बाय पोस्ट आई है तो आपकी एक्सेप्टेंस भी बाय पोस्ट आनी चाहिए, अगर वो टेलीफोन के द्वारा है तो आप टेलीफोन या कोई भी मोड है उसमें उसको दीजिए। जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है दोस्तों वो है कि आपको कहा क्या गया है ऑफर में, आपको क्या करने के लिए कहा गया है। वो सेम सिचुएशन जो थी वो स्टेट ऑफ MP वर्सेज गोवर्धन दास AIR 73 का केस है, उसमें अराइज हुई थी, जिसमें कि स्टेट ऑफ MP ने टेंडर निकाले और उसमें कंडीशन रखी थी कि आपको अगर आपका टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो 25% जो अमाउंट है आपको इमीडिएटली ऑन द स्पॉट जमा करवानी पड़ेगी। तो उसमें जो गोवर्धन दास जी थे उनका जो टेंडर था एक्सेप्ट कर लिया गया और उनको कहा गया कि भाई आप अपनी 25% जो अमाउंट है उसको इमीडिएटली जमा करवाएं, पर उन्होंने जमा नहीं करवाई थी और उसका जो 75% था वो भी बाद में उन्होंने जमा नहीं करवाया था, यानी कि टोटल जो अमाउंट थी। तो ये है इसका मतलब प्रेस्क्राइब, यानी कि जहां पर आपको ये कहा गया कि आप 25% जो है उसको डिपॉजिट करवाएंगे ऑन द स्पॉट अगर आपका जो टेंडर है या आपकी जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये जो सिचुएशन है वो प्रेस्क्राइब देते हैं यूजुअल मैनर। मोड क्या है प्रेस्क्राइब मैनर, कि अगर आपको कोई कंडीशन प्रेस्क्राइब की गई है तो उन कंडीशन को भी आपको फुलफिल करना, और भी कोई कंडीशन हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑफरर, की ऑफरर की क्या रिक्वायरमेंट है उस तरह से आपको उसमें डील करना पड़ सकता है। इसमें जो दोस्तों नेक्स्ट केस लो है हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें लाइसन वर्सेस हेनशा 1819 का केस है दोस्तों। इसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो ऑफर था उसने डिमांड की थी कि आप जो हमें रिप्लाई देना है वो थ्रू बैगन दीजिए, यानी कि गाड़ी के जरिए रिप्लाई भेजिएगा, पर जो ऑफरी था उसको लगा कि मैं बाय पोस्ट जो है रिप्लाई जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए उसने बाय पोस्ट भेज दिया उसको, पर बाय बैगन, यानी अगर बैगन जो थी वो पहले पहुंच गई पोस्ट से, देखिए बैगन पोस्ट से पहले पहुंच गई और जो पोस्ट थी वो बाद में पहुंची, और जो ऑफरर था उसने मना कर दिया इसको मानने थे, उसने कहा कि भाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाय बैगन भेजिएगा पर आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर था उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं इसमें जो मुझे लॉस हुआ है मैं उसको क्लेम करूँगा आपसे। तो कोर्ट ने कहा कि बाकी ही आपने ऐसा ना करके जो एक सिचुएशन थी उसको कॉम्प्लिकेट किया है। तो इसमें कहा गया कोर्ट के द्वारा कि भाई ये जो एक्सेप्टेंस दी गई इसमें जो ऑफरर था उसको ये राइट मिल गया ऑटोमेटिकली जब उसकी कंडीशन फॉलो नहीं की गई कि वो उस एक्सेप्टेंस को निल एंड वॉइड, यानी कि पूरी तरह से इनवैलिड स्वीकार करे और उसको फॉलो ना करें, उसको मानने के लिए वो बिल्कुल बाध्य नहीं होगा। तो ये जो ऑफरर के फेवर में डिसीजन दिया गया था कोर्ट का दोस्तों। तो उसके बाद चलते हैं हमारा फोर्थ एलिमेंट है दोस्तों, जो फोर्थ एसेंशियल है लास्ट है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सब्सिस्टिंग। अब ये आ गया है कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल, जबकि ऑफर, अब जब मान लीजिए मैंने आपको पेन का ऑफर दे रहा हूँ कि पेन खरीदी और मैं कह रहा हूँ कि ये ऑफर जो है अगले 2 घंटे तक है, यानी कि 2 घंटे तक ये वैलिड रहेगी, 2 घंटे के बाद आप मुझे ऑफर नहीं कर सकते, यानी कि 2 घंटे के बाद मुझे आप एक्सेप्टेंस दोगे तो वो मुझे वैलिड नहीं होगी, वो इनवैलिड होगी और मैं उसके मानने के लिए बाध्य नहीं होऊंगा। तो ये है दोस्तों कि ऑफर जो कि एक्सेप्टेंस जो देनी है आपने ऑफर की वो तभी देनी है जब तक कि ऑफर है वहाँ पर। अब ऑफर जो है उसका कोई टाइम पीरियड भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रेस्क्राइब किया जैसे अभी आपको कहा कि 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, या फिर उसको विड्रॉल किया जा सकता है मेरे द्वारा ही विड्रॉल किया, जैसे मान लीजिए मैंने ऑफर दी कि आप ये पेन खरीदिए और आपने अगले 15 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया उसका, मेरे इस सवाल का, मेरी ऑफर का, मैंने 15 मिनट पर कहा कि ठीक है मैं अपनी ऑफर को विड्रॉल करता हूँ, यानी कि दो सिचुएशन हो सकती हैं यहाँ पर दोस्तों, या तो उसको विड्रॉल किया जा सकता है या फिर वो लैप्स, यानी कि अपने आप ही, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइम पीरियड और ये सुओ मोटो यानी कि मैं खुद इसको विड्रॉल कर लेता हूँ ऑफर को, या फिर कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड इस पर रख दिया जाता है और जैसे वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो ऑफर जो है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी और आप उसकी एक्सेप्टेंस उसके बाद नहीं दे सकते और मेरे विड्रॉल के बाद भी उसकी एक्सेप्टेंस आप नहीं दे सकते। तो ये था दोस्तों हमारा जो टॉपिक जो एक्सेप्टेंस का था। आपको ये टॉपिक कैसे लगा मुझे शेयर कीजिए, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।